छोड़ दो ना, पागल आदमी वहाँ यहाँ घूमता है। मैंने कल कहा ना, वो जेल जाएगा, वो जेल जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, वो भाग रहा है, यहाँ वहाँ भागने दो, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैंने कहा कि जल्दी ही यहाँ की जनता उसकी धिंड निकालेगी, वो आगे जनता पीछे, वो आगे जनता पीछे, छोड़ दीजिए, वेट एंड वॉच। मैंने कहा है वो कहाँ जाता है, बंगले ढूंढता है, घर ढूंढता है, ये ढूंढेगा, ये ढूंढेगा, ये क्या दर दिन की खबर बनती है कैसी? हमने कहा ना, कहाँ है बंगले दिखाइए, अदृश्य हो गया क्या? अदृश्य बंगले सपने में आता है उसको, पागल हो गया वो, उसको सपने में बंगले दिखते हैं, उसके बंगले होंगे खुद के, बेनामी प्रॉपर्टी उसकी कहाँ होगी, तो उसको दिखते हैं बंगले। सर मराठी मसाले की किरीक तुम्ही आज कोरलई गावात गेलेले आहेत, बघा ह्याच्यावरती वारंवार स्पष्टीकरण झालेलं आहे, कागदपत्र तिकडले सरपंच, की त्या जमिनीवर एकही बंगला नाही, एकही बांधकाम नाही, आणि याला स्वप्नामध्ये बंगले दिसतात। हा काहीतरी भुताटकीचा प्रकार आहे, भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना भुताटकीनं झपाटलेलं आहे बहुतेक, त्यांना त्यांच्या स्वतःच्याच बेनामी प्रॉपर्ट्या दिसतात स्वप्नात, आणि ते दुसऱ्यांचे म्हणून बोंबलतात। त्या जागेचे मूळ मालक अन्वय नाईक, बरं का, अन्वय नाईक त्या जागेचे मूळ मालक आहेत असं मला वाटतं। अन्वय नाईक यांना आत्महत्या का करावी लागली ह्याच्यावरती हे लोक बोलत नाहीत। अन्वय नाईकला आत्महत्या का करावी लागली हे ह्याच्यावरती ह्या लोकांनी बोललं पाहिजे, या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी। पण अन्वय नाईकला ज्याच्यामुळे आत्महत्या करावी लागली, बरं का, त्या गुन्हेगाराच्या समर्थनार्थ हे सगळे लोक कोरडबाजा पत्रकबाजा करत होते। एक मराठी माणूस अन्वय नाईक, एक उद्योजक, एक मराठी उद्योजक, त्याने या भारतीय जनता पक्षाच्या दबावामुळे आत्महत्या केली आहे, कारण अर्णब गोस्वामीला हे लोक वाचवत होते। आणि माझ्याकडे तर अशीही माहिती आहे, या किरीट सोमय्याने सुद्धा त्याच्या आधी काही वेळा अन्वय नाईकला धमक्या दिल्या होत्या की अर्णबकडे पैसे मागायचे नाही, अर्णबला बिल पाठवायचं नाही, अशा प्रकारे, म्हणजे माझ्याकडे आता माहिती नव्यानं आलेली आहे, या किरीट सोमय्याने सुद्धा त्याच्या आधी काही वेळा अन्वय नाईकला धमक्या दिल्या होत्या की अर्णबकडे पैसे मागायचे नाही, अर्णबला बिल पाठवायचं नाही, अशा प्रकारे, म्हणजे माझ्याकडे आता माहिती नव्यानं आलेली आहे की ह्या किरीट सोमय्याने अन्वय नाईकला दोन वेळा बोलवून धमकी दिलेली आहे, दो बार उसको धमकी दिया था अन्वय नाईक को, बाद में आत्महत्या किया है, ये धमकी के बाद भी आत्महत्या का कोशिश किया होगा अन्वय नाईक जी ने। अन्वय नाईक एक मराठी उद्योगपति थे, छोटे मोटे काम करते थे, आर्किटेक्ट थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये लोग महाराष्ट्र से और मुंबई से मराठी लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो छोटे बड़े उद्योग करते हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, ये सब अन्वय नाईक के हत्यारे हैं। और अन्वय नाईक का एक हत्यारा आप उसी वही जमीन पर जा रहा है, तो ये हम देख लेंगे। सर कृष्णप्रिया कोहली गांव गए हैं सर, आपने कहा जनता जनता उसको दूसरी की जनता सर, सर, आपने आप देखो क्या होता है, मैंने यही कहा है, तो कहेंगे कि आप मास्टरमाइंड है, ये सब क्या है, कौन आज अगर वो जाते हैं तो जाने दो ना, जनता उनको, वो क्या नेल्सन मंडेला है क्या, आप उसके पीछे जा रहे हो? हाँ, वो क्रांतिकारी है नेल्सन, वो चोर और लफंगा है। मैंने कहा इस देश का सबसे बड़ा चोर लफंगा और डाकू कोई होगा, उसके खिलाफ तो खंडनी और एक्सट्रैक्शन के गुने भी दाखिल होने वाले हैं। आप देखिए नारायण राणे यांच्या घराबाहेर मुंबई महानगरपालिकेने, तो ये जो है आप देखते रहे क्या होता है, उनका खेल खलास हो रहा है, इसलिए भागम भाग चल रही है। वो जो भाग रहा है ना, वो जेल की तरफ भाग रहा है, इस जेल की तरफ भाग रहा है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये बाप बेटे जेल जाएंगे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।